ऐतवार का दिन है, असी सोचे थोड़े स्टूडेंट्स नू जां अपने जिहड़े एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हां नू डिपार्टमेंट बारे थोड़ा दस दिए। हाँ जी, मेरे नाल है अभिनव भंडारी सर, डॉक्टर अभिनव भंडारी ते डॉक्टर नवदीप कंवल, ये दोनों मेन एडमिशन कमेटी के कोर मैंबर हैं। सर तुसीं भंडारी सर, हाँ जी सर, पहले डिपार्टमेंट बारे कुछ दसो, डिपार्टमेंट बच्चा इस डिपार्टमेंट क्यों एडमिशन लवे, मतलब की खासियत है डिपार्टमेंट की? मैं देखो एक बच्चे एडमिशन जो लैंदा तो वह दो चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। एक सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है फैकल्टी। तो मैं दसना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट के जेडे 37 रेगुलर फैकल्टी मैंबरस है, कि मैनू लगता कि जो असी देखे जाए किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के इन्ने रेगुलर फैकल्टी मैंबर नहीं होंगे। तो फैकल्टी ही मतलब एक पिलर होंगी है किसी भी डिपार्टमेंट की। तो इतने मतलब मोस्ट ऑफ द जेडे फैकल्टी मैंबरस है वो डॉक्टरेट है और अच्छी यूनिवर्सिटीज उन्होंने PhDs की हैं। तो इस करके फैकल्टी तो दूसरी जी चीज़ है किसी भी डिपार्टमेंट की वो होंगी है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने लगता कि यूनिवर्सिटी का जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट का जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही वधिया है। तो देखो 316 एकड़ के यूनिवर्सिटी बनी हुई है। देखो इतने तुम डिपार्टमेंट की बिल्डिंग जी सा है, देखो तुम इस 8 फ्लोरस की यह बिल्डिंग है। तो मतलब इन बहुत ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतने कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ग्रीनरी तो अपनी पंजाबी यूनिवर्सिटी, हाँ ये तो मनन वाली गल है कि जी आप ये नहीं कहते इन्नी ग्रीनरी तो मैं लगता कि पार्क के भी नहीं लगती जिनी अपनी इस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। नवदीप सर तुम कुछ और पूछना चाहोगे जी? हाँ जी, मैं ये भी चाहना भी भंडारी सर ये भी दसन कि इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा डिपार्टमेंट है लैब्स के जो होर बच्चों उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो चाहिए होंगे वो की डिपार्टमेंट इतने प्रोवाइड करवा रहा है तो की कुछ है साढ़े को? देखो जी इतने 9 लैब्स है, 9 डिफरेंट टैक्निकल लैब्स है जिंदे असी एक लैब साड़ी ओपन सोर्स टैक्नोलॉजी लैब है जिंदे असी कुछ सॉफ्टवेयर्स से बच्चों ट्रेनिंग देने हैं। तो कुछ साड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है जिते बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे नॉलेज दी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैब है साड़े को, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मशीन लर्निंग IoT ये सारिया लैब साड़े को अपडेटेड लैब्स है जिते बच्चा अपने प्रैक्टिकल स्किल्स नू इनहांस कर सकता है। तो रैंकिंग वगैरह च हाँ देखो यूनिवर्सिटी की NRIF रैंकिंग जी 62 हैगी है। लास्ट टाइम साढ़े जरा जी रैंकिंग आई थी उन 62 तो असी स्टैंड करते सीगे। तो वैसे भी यह यूनिवर्सिटी NAC भी एक्रीडेटिड है और इनका जोड़ा ग्रेड हैगा वो ई ग्रेड नाल अप्रूव्ड है। नहीं देखो सर जो कोई बच्चा एडमिशन लैंदा तो वह उन्हें रैंकिंग जी नैशनल लैवल से जी रैंकिंग कितनी स्टैंड करती है तो ये सारे बच्चे सर्वे करके आते हैं कि उनकी की रैंकिंग हैगी है। तो जी 62 रैंकिंग है वन ऑफ द मतलब टॉप 100 के आ रही है। प्लेसमेंट कंपनीज भी हाँ वहाँ प्लेसमेंट की कंपनीज भी उसके अकॉर्डिंग ही आदि ये सारा बच्चे सू कहते हैं इस चीज़ बेनीफिट रहा बच्चे ਜਿਹੜਾ NAC ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ BTECH ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ NBA ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ? ਇੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ECM ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, MTECH ਵੀ ਹੈ, MTECH ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, MTECH ਸਿਵਲ ਹੈ, MTECH ECE ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ PhD ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ।